नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल समर एकेडमी में। और जैसे कि हमारी मैथ की सुपर सीरीज चल रही है, मतलब मास्टर सीरीज बोल सकते हैं इसको, जो आपकी आगामी अधिकतर परीक्षाएं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, तो उसके लिए चल रही है। तो इसमें एक आप बहुत छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं जिसको हम लोग धन या मनी के नाम से जानते हैं। तो इसमें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो उनको बता दे रहे हैं, साथ ही साथ उनसे जिस प्रकार के क्वेश्चन बन पड़ते हैं वो भी बता देंगे। तो चलिए पहले कुछ मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए जाए। तो बात करते हैं अगर कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कुछ बेसिक बेसिक। जैसे कभी भी अगर रुपए दिया हो, रुपया, तो इसको पैसों में बदलने के लिए क्या करते हैं? अगर इनको पैसों में बदलना हो तो इसमें सिंपल और सिंपल क्या करो, 100 से गुणा कर दो। जैसे 2 रुपए हो तो 2 रुपए को पैसों में बदलने के लिए इसमें क्या करो, 2 का गुणा करोगे 100 में, तो क्या हो जाएगा, 200 पैसे। लिखने का तरीका, मान लो लिखा हुआ है 300 पैसे, तो इनको अगर रुपयों में लिखना हो तो क्या करो, 100 से भाग कर दो। तो जब इसमें 100 से भाग करोगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 रुपए। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो। कभी लिखा हो 3.75 रुपए, तो इनका मतलब रहता है जो दशमलव के आगे लिखा रहता है ये तो होता है रुपया, और जो दशमलव के बाद लिखा रहता है ये होते हैं अपने पैसे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई पूछे तो इसमें हो जाएगा 3 रुपए और 75 पैसे। और अगर इन रुपयों को भी पैसे में तोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 300 पैसे प्लस 75 पैसे, तो इनको जोड़ोगे तो 375 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, समझा? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी आपके जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बिना कोई देरी किए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था, सोच रहे थे ये करवा दें आपका। चलो, तो पहला क्वेश्चन है 75 रुपए और 75 पैसों के पैसों में मूल्य है। तो देखो 75 रुपए को क्या लिख सकते हो, अगर पैसों में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करोगे 100 का तो ये जाएगा 5700। और 75 और पैसे दिए तो यहाँ पे 75 और जोड़ोगे, 0 के नीचे 0, तो देखो 5775, यानी 5775 पैसे। समझ में आया, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगला देखो, तीन पेंसिल का मूल 20 रुपए है। ठीक है, तो देखो तीन पेंसिल का मूल कितना है, 20 रुपए। तो 6 दर्जन का मूल पूछा है, तो 6 दर्जन मतलब एक दर्जन में होता है, एक दर्जन बराबर होता है 12 आर्टिकल, 12 कोई भी वस्तु है, यहाँ पे 6 दर्जन। तो यहाँ पे जब 6 दर्जन हो गया तो यहाँ पे कितने टोटल हो जाएंगे, 12 5 7 8 72 चीजें। तो तीन पेंसिलों का मूल था 20, 3 का था 20, तो 1 का हो जाएगा 20/3, और 72 का कितना हो जाएगा, 20/3 × 72, बस यही पूछा था। 3 × 6 = 12, और 24 × 4 = 80, देख लो कितना, 480 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये चीज समझ में नहीं आया भैया, हम फिर से बताएंगे। अगला देखो, रामू ने 1 किलो आम 50 रुपए में खरीदे, 3 किलो आम का दाम 2 किलो आम से कितना अधिक है? तो देखो पहले तो सीधे सीधा इसका अंतर ही निकाल लो तो अपना आंसर आ जाना। देखो रामू ने 1 किलो आम 30 रुपए, तो 1 किलो 1 केजी आम की कीमत है 50 रुपए। 3 किलो आम खरीदे और 3 किलो आम का दाम 2 किलो से कितना अधिक है? तो भैया 2 किलो से 3 किलो या 3 किलो से 2 किलो घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1 किलो, और 1 केजी का कितना दिया था, 50 रुपए, सीधे सीधा अपना आंसर ए। ठीक है, या फिर ऐसे निकालो 3 किलो का कितना होगा, तो 3 किलो का होगा 150, क्योंकि 50 से 1 का है, तो 3 किलो 150, 2 का कितना हो जाएगा 100। यही पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 100 से 150 कितना अधिक है, 85 तो अधिक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार को एक पेंसिल बेचने पर इतने रुपए मिलते हैं, एक पेंसिल बेचने पर इतने, तो इस रुपए को या तो पैसे में बदल लो या फिर पैसे में नहीं बदलना तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में गुणा कर लेना। तो एक पेंसिल बेचने पर इतने, 20 पेंसिलों पर कितना मिलेगा, तो 1 की जगह था 1 का था 1.50, और 20 था इस तरफ, फिर 20 हो गया, तो 1.50 में भी 20 का गुणा कर दोगे, तो जब करोगे तो 2 जीरो पीछे पीछे, 2 5 10, 1 2 1 2 और 3, देखो दशमलव के कितने अंक तक जीरो है, 2 अंक तक, तो इतना कितना आएगा, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे ही नहीं आ रहा समझे तो इसको पैसे में बदल दोगे तो कितने हो जाएंगे, 150 पैसे, और 20 का टोटल कितना हो जाएगा, 3000 पैसे, और रुपये में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से भी 30 आ गया। जैसे भी करना हो वैसे कर सकते हो,
अगला क्वेश्चन देखो, एक किलोग्राम टमाटर का क्रय मूल्य इतना है, 4 किलोग्राम का कितना होगा? अरे भैया 1 किलो का है 75, 4 किलो का तो इसमें 75 में 4 का गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 300 रुपये। देख लो आंसर। तीन सौ ऑप्शन नंबर बी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अनीता के पास 100 रुपए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनीता के पास 100 रुपए हैं, जैसे उसने 40 रुपए की जलेबी खा ली, टोटल 100 रुपए थे, 40 की उसने जलेबी खा ली, जलेबी 20 रुपए की टिक्की पी ली, टिक्की, और 35 रुपए की नमकीन खा ली, नमकीन, तो अनिता के पास कितने रुपए बचे? अरे भैया इतना तो खर्चा ही हो गया, तो खर्चा टोटल जोड़ लो, 4 2 6 3 9 95 रुपए तो खर्च हो गए, 100 रुपए टोटल थे, कितने बचे होंगे? 5 रुपए, यानी कि 0.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहोगे इतने सरल सवाल सर, तो भैया ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई IS PCS की थोड़ी ना तैयारी कर रहा है, टीचर की है। ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाओगे वही तो आएगा। इतने रुपए और इतने कमान, तो देखो 10 लोग के आगे आगे वाले जुड़ते हैं, पता है सभी को, तो और दोनों रुपए में है, तो 87.45 और यहाँ पे 54.60 जोड़ दो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 4 10 की 0, हाथ लगाई 1, 6 4 11 12 की 2, हाथ लगाई 1, 4 5 9, 92.05, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे रुपए लिखा होना चाहिए था, मतलब मिस हो गया होगा, तो यहाँ पे रुपए लिखा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्या पूछ रहा है? चौवन दशमलव 50 में पैसे निकालने, तो देखो भैया सीधा सीधा 10 लाख हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5400, यहाँ पे 50 पैसे वाले, तो 50 54 50, देख लो कौन सा आंसर है, 54 50, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अगला देखो, इतने में से इतने घटा लिए, तो बस 10 लाख के आगे वाले घटा दो, 325.75, 10 लाख के नीचे 10 लाख लगाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 178, ये हो जाएगा 50, तो देखो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही हट गया। ठीक है, 15 में से 8 गए 7, देखो ऑप्शन नंबर बी, आगे सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, अगला देखो, पचास पैसे के 25 सिक्कों का, के 25 सिक्कों का मूल्य, तो देखो क्या कह रहा वो, बुझे कह रहा कि 50 पैसे के 25 सिक्के हैं, तो 1 सिक्का की वैल्यू 50 पैसे, तो 25 की कितनी हो जाएगी? इतने पैसे, तो बस 25 बना 125, पीछे जी इतने पैसे। ठीक है, लेकिन जो उत्तर दिए ना, ये देखो यहाँ पे रुपए में दिया, यहाँ पे रुपए में, रुपए में, रुपए में, अपना आंसर किस में आया? पैसे में, तो रुपए में चेंज करने के लिए क्या 100 से भाग करोगे, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे 0 रहेगा तो यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा, यानी 12.5, देख लो कोई ऑप्शन ए वाला, कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल सही से ये मत लगा देना, क्योंकि वहां पे पैसे में आया था, यहाँ पे रुपए में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि राम एक दिन में इतने रुपए कमाता है तो जुलाई माह में कितने रुपए कमाएगा? तो सबसे पहले तो ये देख लो, जुलाई माह में कितने दिन होते हैं? 30 है या 31 है, जितने भी हो सीधा सीधा गुणा कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इतने पैसों को रुपये में परिवर्तित करने के लिए 100 से भाग कर दो, जो अपना आंसर आए देख लेना क्या आ रहा, 307.85 आया, 307 मतलब पहली वाला। ठीक है, अगला देखो, बस इतने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, देखो रुपए रुपए अलग जोड़ लो, पैसे पैसे अलग जोड़ लो, देखो ए रुपए में है, ए रुपए में है, ए रुपए में है, ए रुपए में, इतने पैसे में 250 पीछे हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हट ही गया, ए भी ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि पैसे हैं, देखो ए वाला ऑप्शन हो सकता है या ए वाला, अब इसको जोड़ो तो देखो 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ऑप्शन आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ गया 3 और 6 9, यानी कि ए वाला। ठीक है, इसमें 3 0 आ रहा है तो हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन देखो,
इतने माइनस इतने प्लस इतने क्या, सिर्फ रुपया लिखा है, बाकी अपना बोर्ड मास्क नहीं है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसमें से घटाना, तो 8 से 10 में से 0 हो जाएंगे, 0 के 0, 10 में से 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 5 10, 10 में से 5 5 बचेगा, तो ये वाला सही है। फिर 7 और 3 10, 10 में से 250 अपना आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर आए ऑप्शन आए वो अपना राइट ऑप्शन हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना राइट ऑप्शन है। ठीक है, सरल करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 12 दर्जन कॉपियों का मूल्य इतना है तो 12 कॉपियों का मूल्य क्या है? तो भैया एक दर्जन में होती है 12 कॉपियां, तो सीधे सीधा देखो 12 दर्जन का है मूल्य इतना, हमें 12 कॉपियों की जरूरत है, तो एक दर्जन की जरूरत है सीधी सीधी, तो 12 का है इतना, एक दर्जन के लिए क्या हुआ 1728 डिवाइडेड बाय 12, तो जब इसे काटोगे तो कितना आएगा, 12 एक 12 5, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 144 अपना आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक मनी का, जिसे धन बोलते हैं। तो आशा करते हैं रुपए में पैसे और पैसे में रुपए मतलब आपको आ गया होगा, और 1 रुपए में कितने, वही है 1 रुपए में 4 टॉपिक, तो 4 रुपए में 16 टॉपिक कैसे निकलती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं कुछ चीज़ें नई मिली होंगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।